हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आईफोन 14 प्रो मैक्स iOS 17.3.1 के ऊपर कैसा परफॉर्म कर रहा है, इस वीडियो में मैं आपको इसका फुल रिव्यू प्रोवाइड करूँगा। सबसे पहले गाइस, आप चेकआउट कर सकते हो, ये मेरा पर्पल कलर में 256 GB वाला वेरियंट आईफोन 14 प्रो मैक्स है और इस फ़ोन को मैंने अपडेट कर लिया है iOS 17.3.1 के ऊपर। इस अपडेट का जो साइज़ है इस फ़ोन में वो आया था 303 MB के आसपास। गाइस, आपको इस अपडेट को अगर आपको इंस्टॉल करना है नहीं करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले जस्ट होल्ड ऑन, अगर अपडेट करना है तो आपको मोबाइल डेटा के ऊपर भी अपडेट कर सकते हो, वाईफाई के ऊपर भी अपडेट कर सकते हो। सबसे पहले बैटरी हेल्थ की बात करते हैं। इस अपडेट के बाद में बैटरी हेल्थ काफ़ी सही चल रही है। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, मैं फ़ोन को चार्ज करता हूँ और फिर फुल यूज़ करता हूँ, हर बार यही पैटर्न चल रहा है मेरा। और चार्ज जो है काफ़ी शानदार तरीके से होल्ड होता है, आईफोन करता है बड़ी शानदार तरीके से, और ग्रेजुअली ड्रॉप भी नॉर्मल होता है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती। यहाँ पर बैटरी के मामले में इस अपडेट ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया है। ओवरऑल चीज़ों की बात करूँ, यहाँ पर गाइस नेक्स्ट जो प्रॉब्लम थी कीबोर्ड की और नोटिफिकेशन बग था, मेरे को लिटरली कुछ ज़्यादा नोटिस नहीं हुआ। जस्ट मेरे को नोटिस किया हुआ है वो है कीबोर्ड में लैग, जब मैं जल्दी जल्दी आकर कुछ टाइप करता हूँ और एप्पल के आईफोन जो है ना थोड़ा स्लो टाइप होता है, ऊपर जो टाइप हो रहा होता है। कीबोर्ड में तो टाइप हो जाता है लेकिन एक सेकंड का जैसे हैंग सा होकर एकदम कीबोर्ड में टाइपिंग आती है, ऐसा मेरे को काफ़ी बार नोटिस हुआ है आईफोन मेरे 13 प्रो में भी और 14 प्रो मैक्स में भी। उसी के साथ साथ ये कीबोर्ड में ओवरलैपिंग इशू तो फिक्स हो गया है। थर्ड जो बड़ी प्रॉब्लम थी ना व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में, कि जो फ़ोन था वो म्यूट मोड में जो स्टेटस की साउंड सुनाई नहीं देती थी। यह जैसे कि मान लो कि अब ये वीडियो प्ले करनी है, मेरा फ़ोन म्यूट मोड में है तो साउंड मेरे को सुनाई नहीं देगी। सबसे पहले साउंड के लिए मेरे को या एयरफोन्स प्लग इन करने पड़ते थे या फिर म्यूट मोड से हटाना पड़ता था तो साउंड मेरे को सुनाई देती थी। अब ये जो प्रॉब्लम है फिक्स हो गई है। यही सेम प्रॉब्लम इंस्टाग्राम के केस में भी थी और इंस्टाग्राम की प्रॉब्लम भी अभी म्यूट मोड में है, तो अभी मैं साउंड मोड ऑन करूँगा वीडियो का तो साउंड प्ले होना शुरू हो जाएगी, लेकिन पहले साउंड नहीं आती थी, जब तक कि मेरा फ़ोन म्यूट पे था तो साउंड नहीं आनी थी। इस प्रॉब्लम को भी एप्पल ने फिक्स कर दिया है। ये जो प्रॉब्लम्स थी मुझे ऑलमोस्ट हर एक फ़ोन में दिखाई दी, 11 में, 12 में, 13 में और XR में भी, 13 प्रो में भी, 14 प्रो मैक्स में भी। इस प्रॉब्लम को आई एम डैम श्योर एप्पल ने फिक्स कर दिया है। अब प्रॉब्लम कौन सी रह गई, परफॉर्मेंस वाइज मेरे को कोई कमी देखने को नहीं मिली, बैटरी रिगार्डिंग इस बार कोई इशू नहीं है, नोटिफिकेशंस प्रॉपर टाइम टाइम आ रही हैं, बैटरी सही से काम कर रही है, कैमरा में कोई इशू नहीं आया, डिस्प्ले में कोई इशू नहीं आया। कंक्लूजन ये है, अगर आप अपने फ़ोन को अप टू डेट रखना चाहते हो और बग फिक्सेस से फ्री रखना चाहते हो बग से, आप इस फ़ोन को अपने फ़ोन को ये अपडेट को इंस्टॉल कर लो, ये कंक्लूजन है, आप इस अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हो। दिस वॉज द वीडियो फॉर आईफोन 14 प्रो मैक्स, कंक्लूजन ये है। अगर गाइज आपको वेट करनी है तो आप ज़रूर वेट कर सकते हो, अगर आप बिना अपडेट किए रह सकते हो इट्स गुड थिंग, जस्ट इट्स अपॉन यू। आई होप गाइज आपको ये रिव्यू जो है ना पसंद आया होगा। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।